नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुंबई के शिवाजी पार्क में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज शाम को उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम करीब 6:40 पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तैयारियों के बीच शिवाजी पार्क में बीएमसी द्वारा मच्छर रोधी फॉगिंग की जा रही है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे, एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डबल मर्डर से सनसनी, लड़की और उसके बाबा की निर्मम हत्या। यूपी के मैनपुरी में गुरुवार की सुबह हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना कुरावली थाना क्षेत्र के गांव नौरंगपुर की है, जहां एक युवती और उसके बाबा की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वजह लड़की के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध भी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवती का शव चारपाई पर जबकि उसके बाबा का शव पास में जमीन पर पड़ा मिला। माना जा रहा है कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं बाबा रामचंद की हत्या सिर पर किसी भारी चीज के प्रहार से की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। बुधवार देर रात को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस का टायर फटने से हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसा त्रिवा कोतवाली के फगुआ भट्टे के पास हुआ। सभी घायलों को नजदीक के ही एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस जयपुर से रवाना हुई थी और बुधवार देर रात करीब 11 बजे तिरवा फगुआ भट्टे के पास अचानक उसका टायर फट गया। रफ्तार तेज होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई और ये हादसा हो गया। और बढ़ती महंगाई के बीच प्याज की कीमतें एक बार फिर से 100 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। देश में प्याज के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर से प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। कारोबारियों के मुताबिक 15 दिसंबर तक कीमतों में कमी आने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। दिल्ली में रोज 1500 से 2000 टन प्याज की आवक हो रही है।